सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं जहाज़ेब और आप देख रहे हैं जहाज़ेब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार फिर हमारे चैनल में आपका खुश आमदीद। तरह जगह जगह से सिर्फ और सिर्फ पानी की ही खबरें मिल रही हैं। हमें खेद है कि तकनीकी प्रॉब्लम के कारण, तकनीकी खराबी के कारण मैं आपको ताज़ा अपडेट नहीं दे सका, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ की स्थिति, तकनीकी स्थिति सामान्य हुई, मैं आपके बीच हाजिर हूँ। कुछ हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिले जो कि तेज बारिश वारी भारी वर्षा से, हैवी रेनिंग से जूझ रहे हैं, उन्हीं जिलों में से एक जिला रायसेन जिला। इसी जिले की लगभग सभी नदी नाले उफान पर है और नदी नालों ने अपना वो रूप दिखा दिया है जो कि लोगों ने कभी 1984 में देखा था। लोगों का मानना है कि नदी नाले जिस हद तक, जिस जहां तक फैले हुए हैं आज, वो हाल 1984 में देखा गया था, जो हाल आज लोगों को देखने को मिला। रायसेन जिले से गुजरने वाले लगभग सभी नदी नाले, जैसे कि बेदवा हो चाहे बीना हो, बड़ी बड़ी नदियां, सभी नदियां उफान पर हैं और इनसे जुड़े नाले, छोटे छोटे नाले जो जुड़े हुए हैं, उन नालों के भी पुलों के ऊपर से पानी है और सागर भोपाल मार्ग भी बंद था, शायद अब चालू हो गया हो, इसकी अभी हमारे पास कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। आइए इसी से जुड़ी रायसेन जिले से, रायसेन जिले में ही कुछ बारिश, भारी बारिश के साथ, भारी हवा के साथ जो जल ने, वर्षा ने और हवा ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, उन्हीं की कुछ ताजा खबरें देखते हैं। आइए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, तस्वीरों के साथ देखते हैं खबर विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जो नजारा आपकी स्क्रीन पर है, ये नजारा किसी नदी का या नदी के ऊपर पुल का नहीं, बल्कि ये नजारा बेगमगंज क्षेत्र की सड़कों के ऊपर का नजारा है जो कि एक नदी की तरह नजर आ रही है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हमारी इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में बेगमगंज, गैरतगंज और बेगमगंज के आसपास और गैरतगंज के आसपास की बहुत सारे नदी नालों के वीडियोस देखे गए हैं कि जिनका लोगों ने सोचा नहीं था इतने दूर दूर तक वो नदी नाले फैले, उनकी जो 1984 में आए थे ऐसे पुल देखने को मिले। वीडियो लास्ट तक देखें और पूरी देखें, बहुत सारी नदियों के वीडियो आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। इस वक्त जो सीन, जो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये वीडियो किसी तालाब की वीडियो नहीं बल्कि बेगमगंज के ही कुछ निचले इलाकों की ये वीडियो है, जहाँ की ये नज़ारा आपको एक तालाब की तरह नज़र आ रहा है। ये वीडियो निचले इलाके, निचले क्षेत्र, बेगमगंज के निचले क्षेत्रों का ये वीडियो है। भारी बारिश अभी भी दौर जारी है। जी हाँ, ये स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रही है यही है बेगमगंज की बीना नदी, जो कि आपको एक समंदर सा ठेला हुआ नजर आ रहा है। बेगमगंज की ईदगाह, जिसमें लोगों का ऐसा मानना है कि पहले पानी नहीं जाता था, अब ईदगाह के अंदर भी इस वक्त काफी आधी आधी लगभग उसकी दीवारें डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये बेगमगंज की ईदगाह से लगभग बीना नदी से आधा किलोमीटर दूर का ये नजारा है। यहाँ से नदी फर्शियों के पास से, जहाँ से ईदगाह के लिए एंटर होते हैं, ईदगाह के लिए जो रास्ता अंदर गया है उसी रास्ते से आकर नदी लग गई है। ये कुआ जो नजर आ रहा है, लोगों का मानना है कि शाम तक नदी इस कुएं के आगे भी आ गई थी और ये कुआ भी दिखना बंद हो गया था, लेकिन हम जब नदी पर पहुंचे तो उस टाइम नदी बढ़ रही थी लेकिन कुआ दिख रहा था। लोगों का मानना है कि ये कुआ भी जो नजर आ रहा है, कुआ भी दिखना बंद हो गया था, इतनी ज्यादा नदी फैल चुकी थी। देखिए जहां तक हमारी नजर जा रही है, पानी ही पानी नजर आ रहा है और बीना नदी के पास, बीना नदी के ऊपर ईदगाह के पास जो अभी नया निर्माणित जो पुल बना हुआ है, वो पुल भी डूबा हुआ है इस वक्त। पुल के ऊपर से भी पानी नजर आ रहा है और कुछ इलाकों में पानी भर गया है तो उन इलाकों को खाली करवा दिया है। जब ये खबर नगर में फैली तो सनसनी की तरह फैल गई और भारी मात्रा में लोग देखने नदी आ रहे थे। देखने जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, काफी संख्या में लोग इस वक्त नदी देखने आ रहे। लगभग ये वीडियो मेन नदी से लगभग आधा किलोमीटर दूर से ये वीडियो बनाया गया है और जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं नगर के माला फाटक क्षेत्र में नदी जहां तक आती थी उससे भी काफी दूर आगे तक नदी आ गई। हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी था लेकिन घर नहीं डूबी हुई थी। आज आपको आधे आधे शटर यहाँ पर डूबे नजर आ रहे हैं। देखिए घरों पर आधे आधे शटर डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, यहाँ पर कुछ घर भी गिर गए हैं पानी की वर्षा से, भारी बारिश से मकान भी गिर चुके हैं। यहाँ पर भी काफी लोग, लगभग यहाँ पर लोगों का मानना है कि चार चार पांच पांच फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है और मकान आधे आधे शटर लोगों के यहाँ पर डूबे हुए हैं।
मुझे वीडियो एक स्टूडियो वालों ने वीडियो शूट किया है। ये वीडियो बेगमगंज के ऊपर से बनाया गया है, शायद टिकरी पर से वीडियो शूट किया गया है। इसमें देखिए कि जहाँ तक नजर जा रही है हमें बीना नदी ही फैली नजर आ रही है। जहाँ तक हमारी नजर कैमरा शुरू हुआ है और कैमरा खत्म हो गया, लेकिन नदी खत्म नहीं हुई और पानी खत्म नहीं हुआ, पानी ही पानी नजर आ रहा है। बेगमगंज की बीना नदी ने आज वो रूप दिखा दिया जिसका लोगों ने सोचा भी नहीं था, जो कि 1984 में दिखा था वो रूप आज लोगों को देखने को मिला। ये हमारे सहयोगी आलोक पटेल द्वारा जो हमें वीडियो शूट करके दिए गए, ये वीडियो बेगमगंज के सुमेर के क्षेत्र के वीडियो है। यहाँ पर कभी पुलों के ऊपर पानी नहीं आता था ऐसा मानना है लोगों का, लेकिन इस बार कुछ झलक पानी की उस सुमेर के पुल के ऊपर भी नजर आई। अगली वीडियो में आप देखिए कि पुल के ऊपर से भी पानी नजर आ रहा है। देखिए पुल के ऊपर से भी ये पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ये सुमेर का पुल है, सागर उपारो पर स्थित ये पुल है। इस पुल के ऊपर से भी पानी कल नजर आया, शायद लोगों ने कभी सोचा ना हो कि इस पुल के ऊपर से भी कभी पानी होगा। खेतों में फैली चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस वक्त जगह जगह से जो वीडियोज आ रहे हैं, बस इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए पुल के ऊपर भी पानी आने लगा है, नदी काफी तेजी से बढ़ रही है। और ये नदी, ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर है, ये बीना नदी का वीडियो है। बीना नदी का गैरतगंज ईदगाह के पास जो पुल स्थित है, उस पुल के पास का ये वीडियो है। ये हमारे सहयोगियों द्वारा गैरतगंज से ये वीडियो भेजा गया है। यहाँ पर भी काफी दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आया। लोगों का मानना था कि सुबह के वक्त इस पुल की से भी टच हो गया था पानी, लेकिन हमारे सहयोग जिस वक्त पहुंचे उस वक्त लगभग 2.5 फीट पानी पुल से नीचे था। देखिए इस वक्त ये नजारा आपकी स्क्रीन पर, बीना नदी गैरतगंज का ये नजारा है। ये इस वक्त स्क्रीन पर वीडियो गैरतगंज की बीना नदी की वीडियो है। देखिए जिस वक्त हमने इस साइड से कैमरा शुरू किया गया है और दूसरी साइड तक लेकर जाएंगे, देखिए पानी ही पानी इस वक्त नजर आ रहा है। ये ईदगाह के क्षेत्र का बीना नदी का वीडियो गैरतगंज का। लोगों का मानना है कि ऐसा पहले कभी पानी नहीं आया था यहाँ तक, जो इस बार इतने दूर तक ये पानी देखने को मिला। स्क्रीन पर गैरतगंज बीना नदी की वीडियो। हमारे इन सहयोगियों का भी धन्यवाद जो इन्होंने गिरती बारिश में, गिरते पानी में, ऐसी तेज बारिश में हमें वीडियो शूट करके वहां से भेजे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करी, आइए उन लोगों की बातचीत भी सुनते हैं। ये नदी की कंडीशन जो आप देख रहे हैं, आपकी लाइफ में इतना पानी आपने पहली बार देखा है। लोगों के पास भाई साहब आपको शुभ नाम महेश्वरी जी, ये कंडीशन जो आप बीना नदी की देख रहे हैं, ये लाइफ में कभी इतना पानी आया है क्या? तो मोहल्ले नदी के किनारे हैं। जी जी, और इसका उद्गम स्थान भी मैंने देखा हुआ है। हमारे इस टाइम इंद्रदेव वाटी पर बने हैं, जो पानी की जो कंडीशन प्रार्थना है जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर बीनापुर का ये वीडियो है, गैरतगंज तहसील की बीनापुर का ये वीडियो, जिसको काउले नाला नाम से जाना जाता है, जिसका पुल टूट गया था, उस नए पुल का जो निर्माण हुआ है, उस नए पुल के ऊपर से जी वीडियो शूट किया गया है। यहाँ पर भी काफी दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है, और जो बड़े बड़े काफी बड़े बड़े वृक्ष हैं उन पेड़ों के भी बस ऊपर ही ऊपर का डगाले नजर आ रही हैं, बाकी वो पेड़ भी काफी हद तक डूबे हुए हैं। देखिए जहां तक हमारी नजर जाती है बस पानी ही पानी नजर आता है, और ऐसा लगता है कि पानी आगे जाकर मानो के बादल से मिल गया हो। काफी दूर दूर खेतों में ये नदियां फैल चुकी हैं कि शायद लोगों ने कभी ऐसा सोचा ना हो कि नदी का हमें ये रूप भी देखना पड़ेगा।
केरलगंज के तहसील बीनापुर के कबूली नाले का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर होगा।